वेलकम बैक टू द खान डाटा यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करके। एंड आज का मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज बनाने वाले ग्रीन हैदराबादी चिकन, जो बहुत इजी रेसिपी होने वाली है, घर के मसालों में ही बनाने वाले हैं, बहुत इजी ट्रिक से, कुछ न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ। कोई नहीं होता है हल्का फुल्का इंग्रेडिएंट्स के साथ। एंड मैं सोची कि अगर मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ तो थोड़ा बाहर नहीं जा पा रही हूँ, आउटडोर्स की वीडियोस नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं घर पे ही कुछ न्यू शूट करके वीडियो बना लूँ एंड आप तक पहुँचाऊँ। एंड हम लोग बहुत कम वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग्स आएंगे। एंड तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और बहुत सारा प्यार देना एंड मुझे सपोर्ट करना थोड़ा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फाइनली हम आ गए हैं किचन में और आज हम बनाने वाले चिकन हैदराबादी ग्रीन चिकन, जो बहुत मज़े की रेसिपी होती है। तो सबसे पहले आप 1.25 किलो चिकन ले ले, विनीगर के पानी में इसे आधे घंटे के लिए आप ना भिगो के रख दे, ताकि इसमें से जितनी भी स्मेल वगैरह होती है ना सारी रिमूव हो जाए। उसके बाद आप इसे मैरिनेट करने के लिए एक पेस्ट बना ले, जिसमें मैंने 8 से 10 ग्रीन चिली, 10 काजू, थोड़ी सी फ्रेश कोथमीर और फ्रेश पुदीना ली हूँ। कोथमीर और पुदीना आपको एकदम फ्रेश लेना है, इससे क्या होता है ना, जो ग्रीन हैदराबादी चिकन हम बनाने वाले उसका जो कलर होता है वो काफ़ी मज़ेदार बनता है। तो इन सारी चीज़ों को आप मिक्सर के जार में जो है ना ऐड कर दे। इसमें आप चाहिए तो 1.25 ग्लास के जितना पानी ऐड करें अगर आपको लगता है, वरना आप इसमें पानी बिल्कुल ना ऐड करें। इसमें आप 2 चम्मच दही ऐड कर दे। दही ऐड करने के बाद क्या होगा ना, इसका जो मसाला होगा ना वो मज़ेदार तरीके से खुद ब खुद ब्लेंड हो जाएगा। 2 चम्मच इसमें आप अच्छा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसे पीस लेना है। पीस के एक बारीक जो है ना आप पेस्ट बना ले। जब तक हमारी चिकन जो है ना विनीगर के पानी में अच्छी तरीके से वॉश हो रही है, जब तक आपको वो टाइम में ना ये मसाला जो है ना रेडी कर लेना है। यहाँ पे मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरीके से आपको बिल्कुल एकदम पेस्ट बनाना है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने चिकन को साफ़ करके रखे थे ये मसाले के साथ, हमारी चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे। और मैरिनेट करने के बाद आपको चिकन को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। जब भी आप चिकन हैदराबादी बनाओ तो आपको ये काम बहुत प्रॉपरली करना है कि आपको जो चिकन है ना उसे मैरिनेट करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर दे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दे, 1 नींबू का अच्छा बड़ा रस ऐड कर दे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दे। गरम मसाला आपको 1/2 चम्मच ही ऐड करना है, क्योंकि गरम मसाला जो है ना हमें बाद में भी ऐड करना है। 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च पाउडर भी ऐड की हूँ, तो यहाँ पे आप ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/2 चम्मच जो है ना ऐड कर दे। 1 अक्खा नींबू का रस ऐड करने के बाद हाथों की मदद से चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर ले, और मैरिनेट करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए आपको चिकन को अच्छे से रख देना है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से जो है ना फ्लेवरफुल हो जाए। क्योंकि आपकी चिकन जितनी अच्छी तरीके से मैरिनेट होगी ना, आपका जो चिकन हैदराबादी है ग्रीन मसाले वाला, वो उतना ज़बरदस्त बनेगा। तो ये काम आपको बहुत प्रॉपरली करना है कि चिकन को आपको मैरिनेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। पतीली ले ले या तो कढ़ाई ले ले, उसमें 2 चम्मच अच्छा खासा आप ऑयलिव ऑयल ऐड कर दे, और 2 चम्मच भर के आपको है ना घी ऐड कर देना है। दोनों को अच्छी तरीके से आपको गर्म कर लेना है। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच अच्छा भर के जो है ना घी ली हूँ, क्योंकि घी ऐड करने से जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा उठ के आता है और बहुत इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 3 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे आपको बारीक चॉप कर लेना है और एकदम बारीक होना चाहिए। इसे आपको तेल में ऐड करके अच्छी तरीके से ब्राउनिश कर लेनी है। प्याज का कलर बिल्कुल आपका चेंज हो जाना चाहिए, कच्ची प्याज में आपको मसाले बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ना प्याज को मैं सबसे पहले ब्राउनिश कर लूँगी। प्याज जो है हमारी ब्राउनिश हो चुकी है, इससे ज़्यादा प्रॉपर ब्राउनिश आपको करनी नहीं है, यहाँ पे आपको लाइट ब्राउनिश जो है ना प्याज करनी है। उसके बाद जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखे थे उसे हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपको चिकन को अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे भून लेना है। इतना भूनना है कि जो प्याज है और जो हमारे चिकन के मसाले वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से भून जाए और जो हमारी चिकन है वो कुकिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम पर जो चिकन है ना उसे
भून लूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर आधा चम्मच भर के धनिया पाउडर, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना आपको मसाले नहीं ऐड करना है, बहुत लाइट मसाले आपको ऐड करना है। फ्लेवर जो है ना ग्रीन चिकन हैदराबादी का बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जितना मेजरमेंट बता रही हूँ आपको बिल्कुल उतना ही टीस्पून जो है ना मसाले ऐड करने। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच जो है ना धनिया पाउडर ऐड करूँगी बिल्कुल नाम भर का। हल्का सा आपको चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन चाट मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको अगर थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो आप इसमें हल्का सा चाट मसाला ऐड करो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। मसालों को चिकन के साथ खूब अच्छे से भून लेंगे। लगातार आपको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर मसालों को भूनना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप चिकन को ढक कर एकदम स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। यहाँ पे जो मसाला है मेरा काफ़ी मज़ेदार तरीके से भून चुका है, और इसमें से ना मसालों में से तेल भी निकलना स्टार्ट हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम इसे प्रॉपर ढक के रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है, जो आपका मसाला है उसमें ही आपको चिकन को कुक करना है। और 15 मिनट के लिए आपको इसे स्लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से अंदर तक कुक हो जाए, एंड बिल्कुल भी मसाला भी कच्चा ना रहे और चिकन भी कच्ची ना रहे। आफ्टर 15 मिनट्स बाद यहाँ पे जो मेरी चिकन है भाप में काफ़ी मज़ेदार तरीके से रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हो मसालों का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आप ऐड कर दें फ्रेश कड़ी पत्ता और फ्रेश कोथमीर। यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश वाली चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि जो इसका फ्लेवर है और कलर है ना वो एकदम मज़ेदार तरीके से रहे। यहाँ पे मैं आधा चम्मच वापस से गरम मसाला ऐड कर दी हूँ, और इन सारी चीज़ों को है ना स्लो फ्लेम पे ही मैं खूब मज़ेदार तरीके से भूनते चली जाऊँगी, क्योंकि ये जितना मज़ेदार तरीके से भूनेगा ना इसका फ्लेवर और इसका जो कलर है ना वो इतना मज़ेदार सा आएगा। उसके बाद आप क्या करें, इसे गर्मा गर्म रोटी दाल राइस के साथ या तो ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत मज़े की डिश है, बहुत क्विकली सी घर में बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और ये आप ना ईद त्यौहार में भी घर में बना सकते हो। अगर आप कुछ बोलते ना बोर हो चुके हो बहुत सारी चीज़ें बना बना के, तो आप ये वाली डिश ना ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार दे देना। तो यहाँ पर जो मेरी चिकन थी फाइनली रेडी हो चुकी थी, और जो मेरे मसालों में से तेल था ना वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से जो है ना आ चुका था। यहाँ पर मैंने स्वाद के लिए 2 से 3 लेमन ड्रॉप मैंने ना ऊपर से जो है ना गार्निश के लिए ऐड की थी। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिल्ली और है ना कोथमीर कट करके ऐड की थी। ये सब आप गार्निश के टाइम ऐड कर सकते हो, और गर्मा गर्म जो है ना आप इसे लच्छा पराठा या तो पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत मज़ेदार डिश बनती है, और इसे मैं आपको सर्व करके भी बताती हूँ कि कितनी मज़े की बनी थी। तो आई होप गाइज आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार दे देना।